बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिमालय को डिस्कस करेंगे। इसका फ्रंट एलिवेशन बहुत ही बेहतरीन मैंने डिज़ाइन किया है, और यहाँ पर अगर आप इसे दो भाइयों के लिए भी कहना चाहें तो वो भी बना सकते हैं मॉडल। तो इस मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर जो फ्रंट का एलिवेशन है, इसमें गेट्स जो दिया वो बहुत ही बेहतरीन है। फ्रंट का पूरा डिज़ाइन आपको बेहतरीन सा मिलता है। अगर आपकी चारों तरफ जगह है तो आप इसको चारों तरफ विंडो लगवा सकते हैं। हालांकि मैंने विंडो नहीं लगाई है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्लान है वहाँ पर विंडो के लिए जगह नहीं है। तो फ्रंट से आपको डिज़ाइन ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आपको दो पिलर मिलते हैं। इसके बाद आपको ये आगे पोस्टर मिलता है, जिसमें कि ये देखिए आप देख रहे होंगे डिज़ाइनिंग के पर्पस से मैंने जाल सा लगा रखा है, उसके ऊपर फिर खबरेल का डिज़ाइन। तो ये एक एरिया एक्स्ट्रा जो कि बालकनी का काम करेगी आपकी फ्रंट पे। तो चलो पूरा मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक दोस्तों इस माल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको दोस्तों लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते हैं, नए नए डिज़ाइन मिलते हैं। तो आप जब भी इस चैनल पर आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आप स्मॉल हाउस प्लान से ज़रूर जुड़ जाएं। जब भी आप घर बनवाएं तो यहाँ पर एक बार विजिट करें और आपको एक नया डिज़ाइन मिलेगा, नया लुक मिलेगा। जैसा कि आज का ये लुक है देख पा रहे होंगे, इसकी साइज़ की बात करें 28x46 फिट, 28 फिट चौड़ाई है और 46 फिट इसकी लंबाई है। ओवरऑल ये देखिएगा जो मकान मैंने डिज़ाइन किया है 28x46 फिट में पूरा मॉडल बनकर आपका रेडी हो जाता है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसे, और आपको इसका रियलिस्टिक देखने को मिले। तो ये पिलर हैं और इसमें बेहतरीन से डिज़ाइन है। मेन डोर का डिज़ाइन आप देखिएगा, बेहतरीन से मेन डोर का डिज़ाइन है। और यहाँ पर ये आपका बालकनी टाइप की बनी हुई, ऊपर ग्रिल इस्तेमाल की गई है, तो बेहतरीन सा डिज़ाइन। वहीं अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर पर आपका ये मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। ये स्टेयर्स, इससे आप ऊपर चढ़ेंगे, दो पिलर, इसके बाद आपको पोर्च मिलता है, और इसके बाद ये मेन डोर। मेन डोर से जैसे आप एंट्री करते हो तो आपको सले दो बेडरूम मिल जाते हैं, ये लेफ्ट और राइट साइड। और अगर आपको इस आगे वाली बालकनी में आना है तो इसके लिए आपको लेफ्ट और राइट बेडरूम से होकर ही आना पड़ेगा इसका। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद आपको ये आपका लेटरिन बाथ मिलता है, फिर एक बेडरूम मिल जाता है, और इधर आपको बड़ा सा किचन मिल जाता है, और एक ये बेडरूम कॉर्नर पर मिलता है। और उधर जब जाते हैं सामने तो जो गली से गई उसी से स्टेयर से जाती है और टर्न होकर वापस आती है, और उससे नीचे एक और देखिए लेटरिन बाथ बड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर दो लेट बाथ, चार बेडरूम और एक किचन बड़ा सा। साथ साथ अगर आप इसको और वेंटिलेट करना चाहते हैं तो ये आपका जो पोर्शन है यहाँ पर आप जाल रखवा सकते हैं, इससे छत से आपका रोशनी वगैरह हवा वगैरह पास होती रहे, तो ये मॉडल आपको और बेहतरीन लगता है। तो ये देखिएगा डिज़ाइन की बात करें तो आप देख पा रहे हो प्रॉपर तरह से डिज़ाइन मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ है। ये जाल वगैरह जो आप जाली टाइप की देख रहे हैं, ये आपके बालकनी को सेपरेट करता है, क्लोज करता है। तो ये देखिएगा पूरा प्रॉपर तरीके से आप घर देख पा रहे हो, क्योंकि 28x46 फिट में बना है, 28 फिट इसका चौड़ाई और 46 फिट लंबाई। वहीं बात करें इसके लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर पर बस मैंने चारों तरफ 3.5 फिट का बाउंड्री, फ्रंट में ग्रिल का इस्तेमाल किया है जो कि आयरन की है, और एक बेहतरीन सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाता है। तो 28x46 फिट में एक अच्छा सा मकान बनता है। मैं इसी को एक या दो दिन बाद इसी को डबल स्टोरी में क्रिएट करूँगा, सेम प्लान को डबल स्टोरी में क्रिएट करूँगा, तब कैसा लगेगा तब भी आप देखिएगा। तो ये सिंगल फ्लोर प्लान था जो कि 4 बेडरूम के साथ है। तो मॉडल कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।